लोग कैसे हम सब लोग आए थे, सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो वह सो चुकी है सुबह और सुबह के हो रहे हैं 5:30। क्या कर रहा है मंदिर के खुल लेते हैं गेट। राधे राधे राधे। वीडियो कॉल करना है, मिलते हैं थोड़ी देर में। क्या होता है ना मुड़ जाता है। चलो कोई नहीं, रख ले बुक, रख ले सारे उसमें, रख ले सारी उसमें। हाँ जोड़ ले बाबा की, उठ के हाँ जोड़ो। राधे 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 बोलो, राधे राधे। चलो नहाओ जल्दी, फटाफट स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, बुक रख ले सारी ढूंढ के और नहा लो। हैं ठीक है, नहा लो जल्दी, तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। पापा को उठाना भी हो बिहानी, पापा को उठा दो जल्दी, तैयार करो स्कूल को। तो बच्चों को कर देती हूँ मैं स्कूल के लिए। तो गैस यहाँ पर बना के थोड़ा सा नाश्ता, नाश्ते में बना रही हूँ मैं थोड़े से, ये है आलू की कचरी बोलते हैं इसको, आलू की उतारे थे तो बना रही थोड़ी सी आलू की कचरी यहाँ पर तेल में तल लेती हूँ। बच्चे ले लेंगे, थोड़े से चाय के साथ अच्छी लगती है गैस ये, तो कर ली थोड़ा सा नाश्ता। गाइस मैं नहा के आ चुकी हूँ और मैंने कर ली है पूजा अपनी सुबह की, मैंने पूजा कर ली है और अब भेज दी बच्चों को स्कूल फटाफट से, लंच वंच बना दी। सो गाइस यहाँ बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच में पूरी और सब्जी बनाई थी आलू टमाटर की सब्जी, और बना रही थी यहाँ पे पूरी पर देती हूँ। तो गाइस मैं रोज़ रोज़ ना एक ही जैसा खाना नहीं देती हूँ, कभी पराठे कभी पूरी कभी कुछ ना कुछ, मतलब रोज़ कुछ ना कुछ देती हूँ अलग अलग। आज मेरी एनिवर्सरी है और है मेरा हैप्पी बर्थडे। एनिवर्सरी और हैप्पी बर्थडे मेरे दोनों एक साथ ही आते हैं गाइस, तो आज मेरा दोनों है हैप्पी बर्थडे और एनिवर्सरी भी। देखते हैं कैसे मनाते हैं, आगे वीडियो करते हूँ कंटिन्यू। वैसे मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हॉस्पिटल में मन नहीं कर रहा है कुछ भी करने का। देखते हैं केक वेक काटेंगे बस। तो गाइस करते हैं वीडियो कंटिन्यू आगे। ले गए हैं स्कूल और मेरा भी हो चुका है काम, सारा कंप्लीट हो चुका है सारा काम। तो अब पी लेती हूँ मैं चाय, दिखाती हूँ। तो कैसे मैं चाय पी लेती हूँ, कर लेती हूँ थोड़ा सा नाश्ता। यही थोड़ा सा टाइम होता है गाइस, काम तो लगा ही रहता है, पूरा दिन का काम है, काम कभी ख़त्म नहीं होता है, कितना ही कर लो काम तो निकलते ही रहते हैं बस। तो पूरा दिन का काम है गाइस, थोड़ा सा टाइम 5-10 मिनट का टाइम मिलता है अपने आराम से बैठकर थोड़ी बहुत चाय नाश्ता वगैरह कर लेते हैं। अपने लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकालना ज़रूरी होता है, तो काम सबसे पहले मैं काम वाम करके उसके बाद मैं आराम से 5-10 मिनट चाय वाय पीती हूँ और उसके बाद फिर लगती हूँ काम में। खाना वाना रह रहा है सबका। सो गाइस यहाँ पे बना रही हूँ मैं आज गोभी के परांठे, शाम के डिनर में गोभी के परांठे बना रही हूँ। तो गाइस देख सकते हैं किस तरीके से बना रही हूँ मैं। ये थी 1 किलो गोभी और वो थी 1 किलो गोभी इनके समेत लगाकर डंठल के साथ इनको मैं काट लेती हूँ। और गोभी हो गई, 2-3 दिन की रखी थी गोभी मेरी, थोड़ी ऐसी हो गई थी ऊपर से, तो मैं इसको कर लेती हूँ बिल्कुल साफ़। और गोभी मैंने बिल्कुल कर ली है साफ़, देख सकते हैं आप। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से देख सकते हैं साफ़ कर लेती हूँ कि कहीं इसमें कीड़ा वगैरह तो नहीं है, गोभी में ज़्यादातर कीड़ा निकल ही जाता है। तो अच्छे से मैंने कर लिया साफ़, देख सकते हैं। और डंठल मैंने तोड़ लिए हैं, फूल मैंने अलग कर लिए हैं। तो गाइस देख सकते हैं किस तरीके से मैं बनाऊंगी गोभी के परांठे, वो भी बिना फटे, बहुत ही अच्छे सॉफ्ट।
तो मैंने अच्छे से कर लिए हैं और मैंने इनको पानी में उबालूंगी, थोड़ा सा रखूंगी मैं गर्म पानी, और गर्म पानी मेरा हो चुका है, उसमें मैं इसे डाल देती हूँ। तो गोभी के मैंने इसमें डाल दिए हैं और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा नमक एक चम्मच। तो कैसे मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा पानी कम रह गया था उसमें, मैंने होने रही थी तो मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है, और मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा नमक और एक उबाल लगाऊंगी हल्का सा। हल्का सा उबाल लगाने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से धो लूँगी गर्म पानी में। गर्म पानी में धोने हैं गाइस बिल्कुल अच्छे से। उससे क्या होता है कि एक तो गोभी अच्छे से गल जाती है, और जो है कि ये जो कीड़े वगैरह होएंगे भी छोटे मोटे तो वो भी मर जाएंगे और ऊपर आ जाते हैं पानी के, बिल्कुल निकल जाते हैं, बिल्कुल गोभी हो जाती है बिल्कुल साफ़। देख सकते हैं किस तरीके से मैंने कर रही हूँ, यहाँ पे गोभी को मैंने अच्छे से धो लिया है, गोभी मैंने अच्छे से धो लिए हैं और कर लिए हैं बिल्कुल साफ़ देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं ना ये थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ फूल, और फूल को मैं अच्छे से घ्याकस में कस लूँगी। तो देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पे कस रही हूँ घ्याकस में, इस तरीके से मैं घ्याकस में कर गाइस कस लूँगी सारी गोभी के फूलों को। तो गाइस देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पे घ्याकस में ये सारे कस लिए हैं गोभी, इस तरीके से कस लिए और छोटे छोटे डंठल से वो मैंने अलग निकाल लिए हैं। और ये है, यहाँ पर डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा नमक, और नमक डालने के बाद यहाँ मैं रख देती हूँ इसको 2-3 मिनट के लिए अलग, क्योंकि इसको मैं इसलिए रखूँगी 2-3 मिनट के लिए नमक डालकर, क्योंकि जो पानी जितना छोड़ना था गोभी को वो छोड़ देगी पानी। तो देख सकते हैं किस तरीके से कर रही हूँ मैं, और इतने यहाँ पर मैं काट लेती हूँ अपनी बारीक बारीक प्याज। इसमें डालेंगे हम प्याज, जो गाइस प्याज नहीं खाते हैं वो प्याज स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं प्याज, बिना प्याज के भी बना सकते हैं गाइस। यहाँ पर मैं रखी थी एक शिमला मिर्च, जो कि घर में ऐसे ही एक्स्ट्रा पड़ी थी क्योंकि ख़राब ही हो जाती गाइस, तो मैं इसको भी डाल देती हूँ इसमें ही। इसको मैं बहुत ही बारीक बारीक काट लेती हूँ, देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पे मैंने बारीक बारीक शिमला मिर्च काट ली है। एक थोड़ा सा हरा धनिया मैंने धोकर अच्छे से धोकर हरा धनिया भी काट लिया है बहुत ही बारीक बारीक, देख सकते हैं किस तरीके से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया भी बारीक बारीक काट लिया है। और यहाँ पर काट लेती हूँ मैं 2-3 हरी मिर्चें, वो भी बारीक बारीक और काट लिया है। और मेरी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, और यहाँ पे कर लेती हूँ मैं एक कपड़े में इसको निचोड़ लेती हूँ गोभी को। तो देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसका सारा पानी अच्छे से कपड़े में निचोड़ लेती हूँ। तो गाइस जितना अच्छे से निचोड़ सकता है उतना अच्छे से निचोड़ लेना, पानी जितना निकलना था सारा पानी निकाल लेना जितना भी निकल सकता है इसमें। तो मैंने सारा पानी यहाँ पर निकाल लिया है, तो देख सकते हैं कैसे मेरे भी बनी है सूखे सूखी गोभी हो चुकी है बिल्कुल बढ़िया एकदम। तो देख सकते हैं बहुत ही ड्राई ड्राई हो गई है। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हैं किस तरीके से मैंने बार बार इसे ऐसे थोड़ा थोड़ा करके कपड़े में सारा मैंने कर लिया है। तो गाइस यहाँ पे मेरी हो चुके हैं, और ये जो पानी मेरा निकला था इसमें गोभी के में, इसको हम आटे में भी डाल सकते हैं, आटा गूंदने के काम आएगा ये, क्योंकि इसमें नमक डाला था लेकिन मैंने ये फेंक दिया क्योंकि मेरा आटा मैंने पहले ही अपना लगा लिया था। तो यहाँ पे कर लेती हूँ पेस्ट तैयार, उसमें मैं डाल दिए हैं मैंने हरी मिर्च और जो थी प्याज वगैरह थी मेरी कटी हुई थी, हरी मिर्च प्याज वगैरह शिमला मिर्च हरा धनिया वो भी मैंने डाल लिया है। और यहाँ पर डालूँगी अब मैं मसाले में मेरा जीरा जो था वो जीरा पाउडर नहीं था मेरे पास, तो मैंने थोड़ा सा जीरा और सूखा धनिया मैंने पीस लिया है। देख सकते हैं किस तरीके से मैंने गाइस सिल पे पीस लिया है, ये तो मैंने सिल पे पीस लिया था। और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर एक चम्मच, और यहाँ पर डालूँगी मैं थोड़ी सी लाल मिर्च, फिर इसमें डालूँगी गाइस मैं थोड़ी सी हल्दी मैंने इसे डाले कलर के लिए, इससे अच्छा कलर आ जाता है। और यहाँ पर डालूँगी मैं थोड़ा सा गरम मसाला और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। गाइस यहाँ पे मैंने ना नमक नहीं डाला है, और नमक इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मैंने ना गोभी उबालते समय भी थोड़ा सा नमक डाल लिया था, आटे में भी थोड़ा नमक है, और जब मैंने पानी छोड़ने के लिए रखा था इसमें तब भी मैंने थोड़ा नमक डाल लिया था, इसलिए मैंने इसमें नमक नहीं डाला है। तो गाइस यहाँ पर मैंने आटा पहले लगा के रख लिया था, तो गाइस मेरा हो चुका है आटा भी, और अब बना लेती हूँ मैं यहाँ पर पराठे। तो देख सकते हैं किस तरीके से सबसे पहले मैंने छोटी छोटी सी बनाई थी लोई, और लोई बनाने के बाद मैंने ऐसे इस तरीके से मैंने इसको भर लिया है।
तो गाइस देख सकते हैं किस तरीके से मेरा पेस्ट बन के तैयार हो चुका था और कैसे मैं इसको आसानी से भर रही हूँ। ऐसे करके इसको हल्के हल्के आँच से बना लेती हूँ इसकी पोटली। ये जो पोटली सी बनाकर इसको अच्छे से हल्के हाथ से ऐसे कर करके मैं कर लेती हूँ। तो गाइस देख सकते हैं किस तरीके से मैं बना रही हूँ। यहाँ पर बिल्कुल भी मेरा पराठा फटा नहीं है, बहुत ही अच्छे से बना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला मैंने डाल दिया है, दूसरा मेरे हाथ में है, मैं बना रही हूँ दूसरा। तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ। तो गाइस यहाँ पे ना मैंने रिफाइंड का प्रयोग किया है। आप चाहे तो आप घी का यूज कर सकते हो और तेल का भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे किया है रिफाइंड का यूज। तो गाइस देख सकते हैं किस तरीके से मेरा पराठा बना है और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे से बना है, बिल्कुल भी फटा नहीं है। आप भी ट्राई करके देखना गाइस, बहुत ही अच्छा बनेगा। इस तरीके से ही बनाना जिस तरीके से मैं बता रही हूँ आपको, बिल्कुल भी नहीं फटेगा अगर आप इस तरीके से बनाओगे तो। और खाने में भी बहुत ही बने हैं स्वाद, देख सकते हैं किस तरीके से बना है। तो गाइस ऐसे करके मैंने सारे पराठे बना लिए थे यहाँ पे। सो गाइस देख सकते हैं किस तरीके से बना है। और ये ना मैंने बहुत ही धीमी गैस कर रखी थी थोड़ी, क्योंकि धीमी गैस पे ही सेकना है गाइस। कि धीमी गैस करने से सेकेंगे तो गाइस बहुत ही अच्छे से सिकेगा हमारी, वो भी अंदर से कच्ची नहीं रहेगी। तो गाइस इस तरीके से मैंने धीमी धीमी गैस पे बार बार ऐसे पलट कर बहुत ही अच्छे से, देख सकते हैं किस तरीके से कलर आया है इनका पराठे का। और देखने में भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ही स्वाद बना है। तो मैंने बच्चों को दे दी थी यहाँ पर थाली लगा कर, यहाँ पर दी थी थोड़ी सी दही। और देख सकते हैं किस तरीके से बना है, बहुत ही सॉफ्ट। और अंदर से देख सकते हैं अंदर से भी कितना अच्छा है बना है। कैसे बने परांठे व्यू? चल ले खा लो बस चल ले। कैसे बने देखना, गोभी के परांठे कैसे बने रवि? सही बने, बढ़िया बने। खा ले बहन, खा ले सॉस के साथ खा ले, बताना अच्छे बने तो। ठीक है और बना रही हूँ। तो गाइस बना रही हूँ मैं आलू गोभी के पराठे। तो बने तो अच्छे, फटे भी नहीं है बिल्कुल, बहुत ही अच्छे बने हैं। खाने में पता नहीं कैसे बने, अच्छे बता रहे वैसे खाने में तो। अब देखो मैं खाऊंगी जब पता चलेगा कैसे बने हैं। बन चुके हैं, देख सकते हैं खाली जल्दी दिखाते कैसे बने हैं, दिखाते हैं कैसे बने। तो बहुत ही सॉफ्ट बने एकदम, बिल्कुल बहुत ही सॉफ्ट है। वो देख सकते हैं कितने अच्छे वो है बना है, इसमें फटा तो बिल्कुल भी नहीं है गाइस, बहुत ही अच्छे बने हैं। आप भी ट्राई कर सकते हैं बनाकर, बहुत ही अच्छे बना है, खाने में भी बहुत ही अच्छे हैं। दही के साथ खा सकते हैं, सॉस के साथ खा सकते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो गाइस यहाँ पे मैंने छोटा सा केक काट लिया था अपना एनिवर्सरी बर्थडे का, जो भी था वैसे ऐसे ही कर लिया था। और बच्चों को खिला रही हूँ यहाँ पे केक, देख सकते हैं गाइस। तो गाइस करती हूँ इस वीडियो का यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो गाइस जो मैंने बनाए थे पराठे उसको भी आगे शेयर करना, बना के देखना गाइस कैसे बनते हैं और कैसे बनने लगे मेरे पराठे, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस। तो बस करती हूँ इस वीडियो का यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आगे, करती हूँ इस वीडियो का एंड। बाय बाय।